देखो निगाहे नाज से दिल्ली के नजारे अरे ये तहजीब की जन्नत है यमुना के किनारे अरे ये तहजीब की जन्नत है यमुना के किनारे। एक उस्ताद शायर जो थे इनका नाम आपने सुना होगा बेखुद, और बेखुद से पहले थे दाग, तो दाग के शागिर्द थे बेखुद। वो जहाँ इसमें मटिया महल में रहते थे और वो ज़बरदस्त गालियाँ दिया करते थे और लोग उनकी गालियाँ। उनके एक और शागिर्द थे वो रफीक रजा रसा, उनका नाम था, वो भी गालियाँ बहुत दिया करते थे। और आम तौर पे उनके मशायरों के अंदर जो है वो यही होता था, लोग नीचे से छेड़ा करते थे और वो वहाँ से स्टेज पे से गालियाँ देने लगा करते थे। मसलन ये कि मशायरा हो रहा है और मशायरे के अंदर जो है उन्होंने शायरों को भेजना शुरू कर दिया। अब शायर जो है वो आते रहे। अब किसी लड़के ने कहा कि उस्ताद, उनको उस्ताद कहते थे, उस्ताद किसी नौजवान शायर को लेके आओ, तो वो फौरन बर्जस्ता जवाब देते थे कि बेटा तुम्हारी फरमाइश है या तुम्हारी वालदा की फरमाइश है। यही हुआ करते थे उनके मशायरों में, लोग गालियाँ सुनने के लिए जाया करते थे क्योंकि वो स्टेज पे से गालियाँ देनी शुरू कर देते थे। कुछ कमाते दमाते कुछ नहीं थे, लोग जो हैं वो गालियाँ सुनते थे और उनका खाने का इंतज़ाम करते थे। कुछ लोगों ने जो है वो बांध रखा था उनके पान और सिगरेट का खर्चा।